नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। जितने साथी जुड़े हुए हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि सुबह एप्पल क्लास में थोड़ी दिक्कत थी, इसीलिए वो थोड़ी लेट से शुरू हुई थी। तो जितने साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत। तो आज जो हमने टॉपिक देखना है वो है हमारा स्टूडेंट्स अप्रोच टू लर्निंग। अभी तक हमने देखा कि साइकोलॉजिकल अप्रोचेस हमारे किस किस तरीके से है। अब इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स हमारे किस किस तरह से अप्रोच करते हैं जब हम लर्निंग को देखते हैं। चलिए शुरू करें इसमें। तो यहां पे मार्टन एंड साल्जो ये दो साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को शुरू किया, और इन्होंने प्रपोज किया कि दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं। There are two approaches, इन्होंने दो उपागम की बात करी। ये दो उपागम थे हमारे डीप अप्रोच और सरफेस अप्रोच। सतही उपागम गहन उपागम। तो यहां पर दो चीजों के ऊपर बात करी इन्होंने कि सतही उपागम होता है और गहन उपागम हमारे पास देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर फिर पास्क ने जो नाम दिया एक और साइकोलॉजिस्ट है पास्क जिन्होंने इसका नाम दिया, इसको इन्होंने कहा कि ये हॉलिस्ट होते हैं और ये सीरियलिस्ट होते हैं। यानी ये एक रूप देखते हैं, ये समग्र रूप देखते हैं, ये समग्र रूपी होते हैं, जबकि सीरियलिस्ट यानी ये क्रम रूपी होते हैं। तो जो हमारा सरफेस अप्रोच था इसे पास्क ने नाम दिया कि ये समग्र रूपी हैं, जबकि जो डीप अप्रोच था उसे नाम दिया कि ये क्रम रूपी हैं। तो रजनी रंजू जी, जस्ट क्लास शुरू हुई है अभी, तो यहां पर दो तरह के अप्रोचेस को हम देख रहे हैं। मार्टोसाल्जो दो देते हैं, सरफेस अप्रोच और डीप अप्रोच, और इसी का फिर नॉमनक्लेचर पास करते हैं कि हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच है या फिर सीरियलिस्टिक अप्रोच है। इन दो के हिसाब से ये इसको लेकर चल रहे होते हैं। फिर इसके ऊपर लेटर एंसविले और मैक्यू ने रिसर्च करते हैं, और इन दोनों के रिसर्च के हिसाब से हम देखें तो ये दोनों फिर तीसरा अप्रोच लेके चलते हैं। ये दोनों तीसरा अप्रोच लेके चलते हैं जिसे स्ट्रेटजिक अप्रोच या अचीवमेंट अप्रोच कहते हैं।
रणनीतिक उपागम, यह उपलब्धि उपागम। तो यहां पे हमें तीन तरह के उपागम देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम स्टूडेंट अप्रोचेस टू लर्निंग को देखें तो टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल 3 अप्रोचेस हैं। एक एक करके इन उपागमों को देखना शुरू करेंगे कि हमारे पास सरफेस अप्रोच या होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है, डीप अप्रोच या सिरलिस्ट अप्रोच क्या होता है, और स्ट्रेटेजिक अप्रोच या अचीवमेंट अप्रोच क्या होता है, और इसको हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। बिल्कुल रंजू कुमारी जी, 11 बजे के आसपास ही क्लास रहती है, 11 बजे का टाइम रहता है, आज थोड़ा लेट हो गए थे। ठीक है, ये तीनों अप्रोच समझ में आया। इन तीनों अप्रोचेस को देखेंगे और इसके ऊपर फिर बेस्ड हमारे पास 5 हमें लर्निंग के स्टेप्स दिए साजो ने। साजो फिर लर्निंग के बारे में बताते हैं हमारे पास कि लर्निंग जो है वो कंसेप्ट्स में, 5 कंसेप्ट्स में हमारे पास 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई की जा सकती है, वो जो है उसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले एक एक करके हम इन अप्रोचेस को देख लेते हैं। सबसे पहले सरफेस अप्रोच को देखते हैं। ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसको ठीक करिएगा। बिल्कुल, कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सतही अप्रोच को होलिस्टिक नहीं कहेंगे, सतही हमारे पास कहलाएगा सीरियलिस्ट। क्रमरूपी उपागम है, ये उल्टा हो गया था, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखें तो सतही कौन से होते हैं हमारे पास, हम सतही किनको कहेंगे। ठीक है, दे आर द स्टूडेंट्स हु फोकस ऑन कंप्लीटिंग द टास्क असाइन टू देम। जब हम इसके ऊपर बात करते हैं, ये सिर्फ उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो इनको दिया जाता है। ठीक है, वो विद्यार्थी जो प्रदत्त कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये पूरा का पूरा इनका जो फोकस होता है, वो फोकस होता है किसके ऊपर, वो फोकस होता है कि हम कैसे इस चीज को करें जो चीजें हमें दी गई हैं,
इनको उसके होलिस्टिसिज्म पर नहीं फोकस करते, ये उसके ऊपर फोकस नहीं करते कि कैसे हम इसको आगे लेके चलें। इसीलिए यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, दे ऑलवेज विजुलाइज द लर्निंग एज बर्डन। एकेडमिक कोर्स एज बर्डन, यह अधिगम, यह अकादमिक कोर्स को बोझ की तरह लेते हैं। ये अकादमिक कोर्स को बोझ की तरह लेते हैं और ये हमेशा ये मानकर चलेंगे, हाय इतना पढ़ना है, हाय इतना पढ़ना है, हाय इतना पढ़ना है, हाय इतना पढ़ना है, ये करते रहेंगे हमेशा। आप सोचिए कि मुझे नहीं लगता कि जो नाइन्थ और टेंथ की साइंस की बुक है, अगर मैंने उस साइंस की बुक को पढ़ लिया तो उसका कंटेंट किसी भी एग्जाम के साइंस के 80% क्वेश्चन को कवर करता है। सिर्फ नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी अगर मैं पढ़ लेता हूं तो 80% कंटेंट कवर करता है। और हम वो नौवीं दसवीं से पढ़ रहे हैं, नौवीं दसवीं, ग्रेजुएशन 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल, उसके बाद भी अगर मैं कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा हूं तो नाइन्थ और टेंथ की किताब पढ़ने में 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन हम हमेशा क्या करते रहते हैं, हाई कितना पढ़ना है, हाई कितना पढ़ना है, हाई कितना पढ़ना है। तो ये जो हाई तौबा मचाने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज ही नहीं किया, उन्होंने कभी अपनी स्टडी को, उनके लिए हमेशा वो कोर्स, हमेशा वो एकेडमिक कोर्स बोझ था। क्यों? क्योंकि एक एक करके इन्होंने चीजें एक साथ लेने की कभी कोशिश करी ही नहीं है। जब एग्जाम आया तब पढ़ना शुरू कर दिया, एग्जाम खत्म फिर पढ़ना बंद, नोट्स कभी बनाए नहीं अपने, हमेशा दूसरों से नोट्स लेते रहे और दूसरों के नोट्स पर डिपेंडेंट रहे। तो ये सब चीजें क्या है, जो सिर्फ एग्जाम देना है तो एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं अपने। तो ये चीजें हमें क्या दिखेंगी, ये सब हमारे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें एक और फीचर, सतही उपागम का या क्रम रूपी का, uses memorization of content which leads to limited learning understanding। अब क्योंकि रेगुलर ये काम नहीं कर रहे और रेगुलर काम नहीं कर रहे, इसलिए इनको अपने टास्क को पूरा करने के लिए, लर्निंग टास्क को पूरा करने के लिए, अधिगम को पूरा करने के लिए सहारा लेना पड़ेगा रटने का। तो रटने का सहारा कैसे, पूरी रात बैठकर रट रहे हैं, अगले दिन जाकर उल्टी कराएंगे एग्जाम हॉल में पेपर लिखने के टाइम। और यही लोग आपको हमेशा दिखेंगे एग्जाम हॉल के बाहर, हाय ये रह गया, ये तो रह गया, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये तो मैंने पढ़ा नहीं। जो पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ा है उसकी हाय तौबा मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, ये फिर विषय वस्तु को रटने का प्रयोग करेंगे, जो सीमित अधिगम अवबोधन की ओर ले जाता है। तो
यहीं से इनका अधिगम और अकादमिक विकास रुक जाएगा। क्यों अधिगम और अकादमिक विकास रुक जाएगा? क्योंकि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सबसे निचले लेवल पर रुक गए। ये सिर्फ ज्ञान को स्मृतिबद्ध कर रहे हैं, ना तो इनकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग लेवल पर गई और ना अंडरस्टैंडिंग से आगे रिफ्लेक्टिव लेवल पर जाएगी, जहां पर ये एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस क्रिएटिविटी और इवेल्युएशन कर पाएंगे। तो इनका विकास और अधिगम स्तर ज्ञान स्तर पर रुक जाएगा, ना तो इनमें बोध विकसित होगा और ना ही ये प्रतिदर्श स्तर के ऊपर विकसित हो पाएंगे, जहां पर ये प्रयोग संश्लेषण विश्लेषण सृजनात्मकता और मूल्यांकन जैसे कार्य करते हैं, संक्रियाएं करते हैं। तो ये सब संक्रियाएं इनकी रुक जाती हैं जो सरफेस अप्रोच या सिरलिस्टिक अप्रोच में रहते हैं। अब सीरियलिस्टिक अप्रोच के होने के कारण पास्क इसमें कुछ क्वालिटीज जोड़ते हैं, इनका बहुत ही संकीर्ण फोकस होता है। एक परीक्षा से अधिक नहीं। तो यह ध्यान रख लीजिए, जो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वो सरफेस अप्रोच से पढ़ रहे हैं। यानी मेरे को अब ये एग्जाम देना है, अरे ये एग्जाम नहीं देना, ये सीखना है, ये तो हर एग्जाम में आएगा जो मैं इसके बाद दूंगा। मुझे टेट देना है, नहीं, टेट के बाद रिक्रूटमेंट एग्जाम देना है, अरे सर मुझे रिक्रूटमेंट एग्जाम देना है, नहीं, मुझे जीवन का इम्तिहान देना है जिसमें मुझे हर बच्चे को सीखना और सिखाना है। तो जब हर बच्चे को सीखना सिखाना है, उससे शुरू करके फिर हम रिक्रूटमेंट एग्जाम, फिर हम टेट एग्जाम, फिर हम आज जो हम पढ़ रहे हैं जिसका हमें ट्रेनिंग के दौरान एग्जाम देना है वो एग्जाम। तो आज ट्रेनिंग के लिए एग्जाम दे रहे हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे, टेट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट के एग्जाम दे रहे हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे। अब तो फिर से हर साल कुछ ना कुछ आ रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, वो व्यक्ति जो सीरियलिस्ट है वो बार बार पढ़ता है, वो अपने नजदीकी एग्जाम से आगे कभी देख ही नहीं पाता अधिगम को। और वो व्यक्ति जो हॉलिस्ट है, वो व्यक्ति जो डीप अप्रोच रखता है, वो एक बार ही पढ़ता है और किसी भी एग्जाम में उसको रिवाइज करके वो एग्जाम देने के लिए वो सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसके पास अपने नोट्स है, अपने ब्रेन में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बने, उसका वो यूज करने के लिए हर जगह तैयार है। तो एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना या बार बार सतही रूप से पढ़ना, ये अंतर हमें दे रहे हैं जब हम मार्टिन साजो या फिर पास्क की थ्योरी को देख रहे हैं। मार्टिन साजो और पास्क की थ्योरी को देखेंगे तो यहां पर वो बताना चाह रहे हैं कि सतही रूप से या फिर सरफेस तरीके से हम जब पढ़ते हैं तो हम बस एक एग्जाम को फोकस करके पढ़ रहे होते हैं, जबकि पढ़ाई जीवन से संदर्भित होनी चाहिए। इट शुड रिलेट टू लाइफ, तभी यह मीनिंगफुल है, तभी अर्थपूर्ण है। और उस संदर्भ में जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हमें पढ़ाई दिखाई देती है।
सीरियलिस्ट स्टेप्स इन आर्गुमेंट्स व्हाई दे शुड नॉट लर्न. जो क्रम रूपी हैं यह बहस करते हैं कि उन्हें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए. यह हमेशा बहस करते हुए देखेंगे कि इन्हें पढ़ना क्यों नहीं चाहिए. सीरियलिस्ट आर्ग्यू दैट नॉलेज कैन नॉट बी रिटेन्ड बाय देम, देयरफॉर दे हैव टू लर्न अगेन एंड अगेन. यहां पर यह बात करते हैं टास्क की, अक्सर जब इनके साथ बहस करो ना कि आप नहीं पढ़ रहे या आप ऐसी चीजें नहीं कर रहे तो आप वैसी चीजें नहीं कर रहे, तो तुरंत ये कि ये बहाना बनाते हैं. ये बहाना क्या बनाते हैं, जी मुझे तो याद ही नहीं रहता, मैं तो बार बार करता हूं, जी मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता. ये सबसे कॉमन बहाना इन्होंने पाया कि जो सीरियलिस्ट है, सरफेस अप्रोच रखते हैं, वो हमेशा ये बात करेंगे. लेकिन जब वो एनालाइज किया जाता है उनके बिहेवियर को, तो ये पाया जाता है इसकी दिक्कत नहीं उन्हें याद नहीं रहता, इसकी दिक्कत है कि वो कभी रेगुलरली पढ़ ही नहीं रहे, इसकी दिक्कत है कि वो कभी डीप अप्रोच रखते ही नहीं, वो हमेशा चीजें याद ही करने की कोशिश करते हैं. उनको मजा भी इसी में आता है कि कोई टीचर मिले जो सारी इंफॉर्मेशन दे दे, मैं इसे याद कर लूं, अरे मैं एग्जाम दे दूं, बस मेरा तो काम खत्म. एग्जाम मिलने के बाद देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है. एग्जाम नौकरी मिलने के बाद, उससे पहले पढ़कर क्या करना है, उससे पहले तो उतना ही बता दो जी इतने में एग्जाम पास हो जाए. तो ये कभी बात नहीं करेंगे जी मुझे पढ़ना है, ये बात करेंगे जी मुझे बता दो एग्जाम पास कैसे होगा. तो इनका फोकस नैरो है, इनका फोकस बहुत संकीर्ण है. तो यहां पर ये कहते हैं कि क्रम रूपी यह बहस करते हैं कि उनके दिमाग में ज्ञान ठहर ही नहीं पाता है, यानी याद ही नहीं होता. इसलिए उन्हें बार बार फिर से पढ़ना पड़ता है. तो ये अपने ऊपर है कि हम सरफेस अप्रोच को लेके चल रहे हैं या फिर हम किसी और अप्रोच को लेके चलेंगे. अब इसमें तीन सब स्केल दिए इन्होंने, मार्टिन साजियो ने तीन सब स्केल दिए इन्होंने.
उपमापनी, पहला अनरिलेटेड मेमोराइजिंग ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन, मार्कर फिल करवा दो और मेरे को सैंडल दे देना। एक मार्कर फिल करवा दो। बिल्कुल जी राहुल जटोलिया जी, ये डेमो क्लासेस चल रही हैं अभी, लर्निंग का टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ, लर्निंग के टॉपिक में मैं अभी ये छठी क्लास ले रहा हूँ। तो मेरे पढ़ाई का तरीका और मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़ते हैं या मेरे फेलो टीचर्स जो आप साथी जो मेरे साथ जुड़ते हैं, तरीका डीप अंडरस्टैंडिंग का रहेगा जो बाकी है, और दो और हम देखेंगे उसका रहेगा। सारे मार्कर खराब हैं, बेकार हैं, इनमें इंक भर लो सब में जो यहाँ पड़े हुए हैं, उसको भेज दो, नीचे बैठेगा उठा लेगा। ये दे दो मुझे, ये भी उठा लो ना, ये सब काम के नहीं है। ठीक है, तो पहले यहां पर जो पहला सब स्केल कहते हैं, उपमापनी कहते हैं, जिसको एक आराम से हम पहचान सकते हैं हमारा बच्चा किस तरह का है, वो दिखेगा हमें कि ज्ञान या सूचना को असंबंधित रूप से याद करना, यानी आम भाषा में इसे आप कह सकते हैं जो रटता हुआ दिखेगा, जो रटता हुआ दिखेगा। तो डिटेल में ही पढ़ रहे हैं हम राहुल जी, क्लास डेमो है लेकिन मैं डिटेल में ही पढ़ा रहा हूं, डेमो क्लास में भी मैं वही पढ़ाता हूं जो डिटेल में होता है। ठीक है, अभी तक मैंने किसी यूट्यूबर को नहीं देखा कि उसने लर्निंग को, लर्निंग का अभी मैं इंट्रोडक्शन ही ले रहा हूं तो 6 क्लासेस हो चुकी हैं मेरी, अभी तक मैंने लर्निंग की थ्योरीज शुरू नहीं करी है। ठीक है, दूसरा कन्फाइनिंग लर्निंग टू द गिवन एग्जाम और एकेडमिक सिलेबस, इसे हम सिलेबस बाउंडेडनेस भी कहते हैं। अधिगम को दिए गए परीक्षा या अकादमिक सिलेबस तक रखना, इसे हम सिलेबस बंधिता कहते हैं। तो यहां पे हम सिलेबस बंधिता को देखते हैं तो यहां हम
सिलेबस बंधिता को देखते हैं कि सिलेबस बंधन में पढ़ा जाता है, यहां पर पढ़ा नहीं जाता, यहां पर अरे एग्जाम में ही आएगा कि नहीं आएगा। तो जब साथी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये एमपीटेट में आएगा, सर ये सीटेट में आएगा, सर ये रीट में आएगा, सर ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट है, सर ये एग्जाम है, ये फलाना एग्जाम, ये ढिकाना एग्जाम, तो वो क्या है? वो सब सर्फेस अप्रोच से पढ़ रहे हैं, सब सर्फेस अप्रोच से पढ़ रहे हैं। अरे डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ना है, एक बार इतने अच्छे से पढ़ जाइए, कोई सा एग्जाम आए मैं हर जगह डेवलपमेंट का क्वेश्चन कर पाऊंगा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है कौन सा एग्जाम दे रहा हूं मैं। हां लेवल ऑफ हमारा जो डिफिकल्टी है वो अलग अलग हो सकता है। तो मैंने इसीलिए अपने कोर्स की तीन लेवल ऑफ डिफिकल्टी बनाई है, पहला टैट लेवल के एग्जाम, दूसरा रिक्रूटमेंट लेवल के एग्जाम और तीसरा मास्टर्स या नेट लेवल के एग्जाम। ये तीन लेवल पर हम स्टडी करते हैं, इन तीन में नंबर ऑफ थ्योरीज और डीपनेस ऑफ द थ्योरी दो चीजें, हम किसी सिद्धांत की गहनता को कितना अधिक ले जाएंगे और कितने सिद्धांत हम ज्यादा पढ़ेंगे, ये दोनों में वैरी करता है, ये दोनों में वैरी करता है, पर्सपेक्टिव्स वैरी करते हैं, तो वो तो वेरी करेगा। यानी अगर मैं छठी क्लास का इतिहास पढ़ा रहा हूं, छठी सातवीं आठवीं का, तो वही इतिहास पढ़ाऊंगा मैं प्राचीन भारत, वही जब नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं में पढ़ा रहा हूं तो वही इतिहास पढ़ाऊंगा प्राचीन भारत, और फिर जब ग्रेजुएशन में पढ़ा रहा हूं तो वही पढ़ाऊंगा क्या प्राचीन भारत, लेकिन तीनों की गहनता अलग अलग होगी, डीप जो है डीपनेस वो अलग अलग होगी। तो अब क्योंकि हम रिक्रूटमेंट लेवल की बात कर रहे हैं, तो जो मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा वो रिक्रूटमेंट लेवल का पढ़ाऊंगा, जो कंटेंट नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेंगे, वो फिर कहां पढ़ेंगे जब रिक्रूटमेंट लेवल, जैसे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, ये सब चीजें रिक्रूटमेंट में आती हैं, जनरली नहीं आती टैट एग्जाम में, तो टैट एग्जाम में हम ये छोड़कर चलते हैं। पेडागॉजी हो गई, फिर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, ये दोनों जगह सेम आता है, दोनों में उसी लेवल का उसी डेप्थनेस का आएगा। तो लर्निंग को केवल एग्जाम तक या एग्जाम में क्या आएगा इस तक रोकने की जरूरत नहीं, लर्निंग को डीपनेस कंप्लीटनेस की तरफ लेके जाना है, गहनता और संपूर्णता की तरफ लेके जाना है। और तीसरा इसमें आता है फियर ऑफ फेलिंग। ये तीन उन्होंने सब स्केल कहे कि तीसरा इनपे देखने को मिलेगा, हमेशा फेल होने का डर रहेगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो ये हमेशा फेल होने की बातें ज्यादा करेंगे, ये हमेशा फेल होने की बातें करेंगे। तो ये भी हमें क्या देखने को मिलता है, ये भी हमें देखने को मिलता है सरफेस अप्रोच का एक चीज, ठीक है। अब हम चलें दूसरे अप्रोच के ऊपर जो कि है डीप अप्रोच और हॉलिस्टिक अप्रोच। जैसे जैसे फेलियर से डरते जाएंगे वैसे वैसे आप सरफेस अप्रोच की तरफ मूव करते जाएंगे, जैसे जैसे आपको अपने ऊपर अपने नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस आता जाएगा वैसे वैसे आप फेलियर से डरना बंद कर देंगे।
ठीक है, देखें इसमें लर्नर्स आर एंगेज्ड इन एक्टिव प्रोसेसेस टू रिफ्लेक्ट एंड इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू अंडरस्टैंड द मटेरियल लर्न। अधिगमित सामग्री के अवबोधन हेतु सूचनाओं या ज्ञान को प्रतिदर्शित करने और एकीकृत करने हेतु अधिगमकर्ता सक्रिय प्रक्रियाओं को करते हैं। तो यहां पर एक्टिवली किसमें इन्वॉल्व रहना है, तो एक्टिवली यहां पर इन्वॉल्व रहना होता है जब हम बात करते हैं कि जो भी चीजें हम सीख रहे हैं वो सीखते हुए हम सीरियल में ना सीखे, सबको एक दूसरे से जोड़ते रहे। यानी यहां पर कोई एक इंफॉर्मेशन अकेली नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ती जाती है और धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में संज्ञान संरचनाएं इतनी जुड़ी हुई और इतनी सक्रिय होकर इतनी बेहतर हो जाती है कि जब भी हमें उसकी आवश्यकता होती है हम उसको तुरंत रिकॉल भी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि समझ भी उस पर विकसित होती जा रही है, इसलिए उससे आगे प्रतिदर्शन में जिसमें प्रयोग संश्लेषण विश्लेषण और मूल्यांकन सृजनात्मकता जैसे संक्रिया भी हमारा मस्तिष्क कर पाता है। ठीक है, तो प्रियंका जी ने एक इसमें सवाल पूछा कि क्या अगर मुझे डर नहीं लग रहा तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं, ये समझिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस तब होता है जब आप क्या करते हैं, नया पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। कॉन्फिडेंस तब है ये पढ़ लिया ये मुझे आता है तो इसीलिए इससे डरने की जरूरत नहीं। अच्छा डेवलपमेंट, ये तो मुझे आता है, इसका तो क्वेश्चन में कर सकते हो। अब ये मतलब नहीं है इसका मतलब कि 100% कोई नहीं कर सकता। मैं भी आज की डेट में सीटेट का एग्जाम दूंगा तो मेरे 100% नहीं आएंगे क्योंकि मैं भी त्रुटियां करूंगा। एग्जाम हॉल में बैठकर मुझे अभी आदत क्या है, आराम से बैठकर सोचने की, एग्जाम हॉल में टाइम बाउंडनेस आ जाएगी, उसमें मैं भी हो सकता है कि कोई गलतियां करूं। तो इसका मतलब गलतियां करना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस तब होता है जब हम नई चीजों को सीखना और अपने आप को बार बार टेस्ट करना बंद कर देते हैं। तो अपना परीक्षण करते रहिए बार बार और नई चीजों को सीखते रहिए तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए, ये चीज सीख चुके हैं। तो यहां पर जब व्यक्ति चीजों को प्रतिदर्शित करता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है, एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करने लगता है जो भी चीज सीखता है और फिर उससे अंडरस्टैंडिंग जनरेट होनी शुरू हो जाती है, अवबोधन विकसित होना शुरू हो जाता है और फिर वो प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है, विश्लेषण करने में सक्षम हो जाता है, संश्लेषण करने में सक्षम हो जाता है। द इंडिविजुअल बिकम्स कैपेबल ऑफ यूजिंग अप्लाइंग इट द अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग थिंग्स सिंथेसाइजिंग थिंग्स, तो हम देखते हैं कि वो डीप लेवल पर जा रहा है। देन वी सी दैट ही इज एट द डीप अप्रोच और यहीं से फिर क्रिएटिविटी और इवेल्युएशन सही होना शुरू हो जाता है, मूल्यांकन और सृजनात्मकता होनी शुरू हो जाती है।
फिर आता है हॉलिस हैव ब्रॉड फोकस एंड कैन लर्न एनीथिंग, समग्र रूपी विद्यार्थियों का वृहत या दूरगामी कहते हैं इसको हम, दूरगामी फोकस होता है। अतः वह कुछ भी अधिगम कर सकते हैं, क्योंकि जो सीरियलिस्ट है वो संकीर्ण है, वो कहेंगे अरे ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, मैं ये क्यों पढ़ूं, ये तो आया नहीं एग्जाम में, ये क्यों पढ़ूं, अच्छा ये तो कहीं बताया नहीं है, अच्छा यू वाले सर तो ये बोलते ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कहां से आती हैं, ये चीजें आती हैं कि व्यक्ति सरफेस है, छोटा देखता है, बहुत नजदीक का देखता है, वहीं पर अगर बहुत लंबा देखे, बहुत दूर का देखे, टेक टीम एक बारी फोन नंबर्स दे दीजिएगा, विकास जी फोन नंबर्स मिल रहे हैं उसके ऊपर बात कर लेंगे आप, ठीक है। और टेस्टार ऐप का आपको लिंक भी दे दिया जा रहा है। तो कुछ भी अधिगम करने में बालक हमें सक्षम दिखने लगता है, कुछ भी चीज होगी वो उसको अधिगम करने में सक्षम दिखेगा। हॉलिस सी देयर लर्निंग टास्क इन कॉन्टेक्स्ट यूजिंग एनालॉगीज एंड illustrations। समग्र रूपी विद्यार्थी सादृश्यता और दृष्टांत को प्रयोग करते हुए अधिगम को संदर्भ में देखते हैं। बिना नाम के करो, बिना नाम के। बिल्कुल विकास जी, कॉल पे आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पे एक तो जो चीजें देखेंगे वो सादृश्यता देखेंगे, यानी हम चीजें मिलाकर देखेंगे क्या चीज सही, क्या चीज गलत, क्या कहां हमें कितनी दूर तक हम जाके इन चीजों को देख सकते हैं, कहां कहां इसका उपयोग हो सकता है, किस किस परिप्रेक्ष्य में हम इसको प्रयोग होते हुए देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सादृश्यता के रूप में दिखेगी, और फिर हम दृष्टिगत भी कर पाएंगे कहां इसको करें कहां नहीं करें।
देखिए हमारे एक साथी आ गए अतुल सिंह जी, जो कि सरफेस लर्नर है। तो सरफेस लर्नर है, रीट में आएगा क्या सर? तो बिल्कुल जी, रीट में आएगा। क्या रीट में लर्निंग नहीं आती? क्या कोई सा टीचर एग्जाम है जिसमें लर्निंग नहीं आती होगी? हर एग्जाम में लर्निंग आती है। तो यहां पर समझिए कि आप किस तरह के लर्नर हैं। आप एक डीप लर्नर ना होकर क्या है, एक सरफेस लर्नर है, यानी सिर्फ रीट एग्जाम में फोकस कर रहे हैं। तो रीट एग्जाम के बाद अगर कोई एग्जाम देना होगा तो क्या ये लर्निंग काम नहीं आएगी? या आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड टू देंगे तो क्या उसमें ये लर्निंग काम नहीं आएगी? क्या जब आप विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे तो ये अप्रोचेस, ये लर्निंग काम नहीं आएगी जब हम अपने बच्चों को समझेंगे? तो यहां पर डीप लर्निंग या होलिस्टिक लर्निंग की आवश्यकता है आपको। हर टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं वो टीचर के एग्जाम में जरूर आएगा, कोई सा टॉपिक उठा लीजिए। विकास जी, लिंक से आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, तो प्ले स्टोर पे जाके आपको टेस्टार ऐप मिल जाएगा। एक बार आप फोन पे बात कर लीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब इसमें भी हमारे पास चार सब स्केल दिए इन्होंने, उपमापनी दी। पहला है इसमें सीकिंग मीनिंग, अर्थ खोजने वाले, यानी ये जो लोग होंगे ये अर्थ खोजने वाले होते हैं। दूसरा हमें देखते हैं, दूसरा इसमें हम देखते हैं रिलेटिंग आइडियाज। जब ऐसे बच्चों को आप देखेंगे तो ये हमेशा विचारों को सहसंबंधित संबंधित करते हुए देखेंगे। ये विचारों को संबंधित करते हुए हमें दिखेंगे। यूजिंग एविडेंसेस, साक्ष्यों को प्रयोग करना, ये अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, ये अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए हमेशा या तो अपने देखे गए उदाहरण या अनुभवों का प्रयोग करेंगे साक्ष्यों के रूप में, या जो चीजें इन्होंने कहीं पढ़ी होंगी उसको साक्ष्य के रूप में प्रयोग करते हुए दिखेंगे। ऑलवेज रेडी एंड इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग न्यू आइडियाज। नए विचारों को अधिगम के लिए हमेशा तैयार और रुचि रखना, रुचि प्रदर्शित करना। ठीक है, तो यहां पे हमें ये दो चीजें दिखाई देती हैं, ये चार चीजें दिखाई देती हैं जो हम बच्चे के अंदर देख सकते हैं कि बच्चा अब किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है। बच्चा
डीप अप्रोच में कन्वर्ट होता जा रहा है। यानी सिर्फ उसको नॉलेज नहीं चाहिए कि सर ये बात मेरे को ज्ञान दे दो मेरे को नोट्स मिल जाए, नहीं, नोट्स से आगे जाने की बात करेगा वो, बात क्या करेगा, अर्थ जानने की कोशिश करेगा, आइडिया को पिछले ज्ञान से नए ज्ञान से अलग अलग चीजों को जोड़ने की कोशिश करेगा, साक्ष्यों को खोजना शुरू करेगा, क्या बात सही और क्या बात गलत, क्यों बात सही और क्यों बात गलत, एक्यूरेट और जो है कोरिलेटेड और जो हमारा कंटिन्यूस स्टडी है वो कैसे हो सकती है, और फिर हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए तत्परता दिखेगी, ये तत्पर दिखेगा। ठीक है, तैयार लिखा है मैंने, इसको तत्पर भी कह सकते हैं क्योंकि कई जगह आपको तत्पर शब्द मिलता है ना। तो ये था डीप अप्रोच। अब फिर तीसरा अप्रोच आता है इस पे, जो कि है स्ट्रेटेजिक अप्रोच या अचीवमेंट अप्रोच। दीपक सिंह जी, डीप और सरफेस के दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते, सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो आप उस समय डीप नहीं करेंगे, डीप की कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो फिर सरफेस नहीं करेंगे। यस फ्री फाल्कन, वी कैन से दैट डीप अप्रोच विल अल्टीमेटली लीड यू टुवर्ड्स द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। आई एम सीइंग इट अगेन एंड अगेन, द सरफेस अप्रोच इंडिविजुअल्स और द लर्नर्स स्टॉप at the knowledge level of cognitive domain according to the Bloom's taxonomy. Rising above the knowledge domain, you have to adopt the deep approach. When you adopt the deep approach, you move from the knowledge towards the meaning, and then the door opens for the higher order thinking skill, because as you gained the meaning of all the information or the knowledge whichever you have gathered, then you will start applying it, analyzing it, synthesizing it, evaluating it, and creating new ideas. So absolutely we can say that the learning in the deep approach will lead you towards the HOTS, that is higher order thinking skills. किसले त्रिपाठी जी ने कहा कि इतना प्रिसाइज सिलेबस क्यों बनाया जाता है, तो कंपटीशन में प्रिसाइज सिलेबस हम देते हैं किसके लिए, आइसबर्ग के लिए। आपने हमेशा देखा होगा ना, हम टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं, ये एक हिमखंड होता है, ये होता है सिलेबस और ये होता है पढ़ना। तो जो सरफेस अप्रोच वाले होते हैं वो सिर्फ इसको पढ़ते हैं, और जो डीप अप्रोच वाले होते हैं वो किसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो सिलेबस, किसले जी ने कहा प्रिसाइज सिलेबस दिया है, तो सिलेबस क्या दिया जाता है, सिलेबस दिया जाता है लर्निंग। तो अब जो सरफेस अप्रोच वाले होंगे वो क्या करेंगे, पांच थ्योरीज पढ़ा देंगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ लो आप जी, आप स्किनर की थ्योरी पढ़ लो, आप प्याजे की थ्योरी पढ़ लो, आप टॉलमेन की थ्योरी पढ़ लो, आप गैगने की थ्योरी पढ़ लो, हो गया लर्निंग जी, ये हो गया लर्निंग खत्म। चार इंफॉर्मेशन दे दी हमने, चार सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड इंफॉर्मेशन दे दी और लर्निंग खत्म कर दिया जी, बहुत अच्छा पढ़ाया हमने, सब सरफेस अप्रोच के हैं। डीप अप्रोच का मतलब यह है, हर कंटेक्स्ट में, हर पर्सपेक्टिव में, हर अप्रोच के साथ जब हम उन थ्योरीज को भी पढ़ें, तो पहले अप्रोच और पर्सपेक्टिव होने चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं कि हम क्या करेंगे। तो प्रिसाइज का मतलब बहुत छोटे में, एक शब्द दे देते हैं ना बस, और हो गया सिलेबस खत्म, लर्निंग दे दिया और लर्निंग खत्म। अब पढ़ना तो डीप में है ना हमने, चलिए तीसरा अप्रोच देखते हैं हम। तीसरा अप्रोच है स्ट्रेटेजिक अप्रोच और अचीवमेंट अप्रोच।
लर्नर्स हैविंग मैक्सिमम लर्निंग बाय मैक्सिमम लर्निंग नहीं है सॉरी अचीवमेंट है, यहां पे मैंने लर्निंग लिख दिया, मैक्सिमम अचीवमेंट बाय स्टडींग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर बाय यूजिंग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। वह अधिगमकर्ता जो समय प्रबंधन कौशलों का प्रयोग करते हुए व्यवस्थित तरीके से अधिगम द्वारा अधिकतम उपलब्धि प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने आपको एक बताया कि रेंचो मेथड के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा कभी, तो रेंचो मेथड में हम क्या चीज देखेंगे, रेंचो मेथड में हम ये देखेंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा हमारा। तो यहां ये किस चीज की बात करते हैं, यहां ये बात करते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो डीप और सरफेस का बैलेंस बनाते हैं। किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि डिमांड ऑफ द सक्सेस आपको देखना पड़ेगा। अब डिमांड ऑफ द सक्सेस क्या है? जैसे कि मुझे अगर सिलेबस पढ़ना है तो मैं 50% सिलेबस डीप स्टडी करता था, बाकी 50% क्या करता था, हमेशा सरफेस पढ़ता था, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था कभी एग्जाम के लिए। अब ये जो 50% मैंने सरफेस किया है और जो मैंने 50% किया है, तो इसको इस रूप में देखिए कि मैंने पढ़ाई करने शुरू करी 1 अप्रैल से। अब जब 1 अप्रैल से शुरू करी तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डीप स्टडी कर रहा हूं जितने की कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन मेरा एग्जाम जो है वो एग्जाम है मेरा 1 दिसंबर को। अब जब मैं 1 सितंबर तक आया तो 1 सितंबर तक मैं 50% सिलेबस डीप स्टडी कर पाया। अब मुझे पता चला कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस सितंबर तक, यानी मैं अगर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने में तो मैं 50% कर पाया हूं। अब अगला 6 महीना चाहिए तब जाके मैं बाकी 50% कर पाऊंगा अगर मुझे डीप स्टडी करनी है। तो मैंने क्या देखा दूसरी चीज की, अब मैं डीप स्टडी नहीं करता, बाकी को सिर्फ मैं सरफेस कर लेता हूं। और ये जो 50% है इसमें स्मार्टनेस कैसे आएगी, मैं ये 50% वो सिलेबस करूं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, पैरेटो प्रिंसिपल बताया था, 85% 50% 15% वाला, अगर आपको ध्यान हो तो, इसी के मैनेजमेंट की स्किल में हमने देखा था ना, लर्निंग मैनेजमेंट स्किल में पैरेटो प्रिंसिपल, 85% क्वेश्चन 50% सिलेबस से आते हैं, है ना। तो यहां पर हमने क्या करा, डीप स्टडी सिर्फ उतने की करनी है, हमारे 85% हो गए और बाकी का हमने सरफेस स्टडी कर ली। तो ये जब चीज करी हमने तो हम 1 सितंबर तक क्या है, एग्जाम के लिए रेडी है, 1 सितंबर तक हम एग्जाम के लिए रेडी हैं। तो यहां पर इस अप्रोच की वो बात करते हैं। तो इसके लिए फिर से सब स्केल दिए उन्होंने, तो इसे हम कहते हैं कि ये स्मार्ट स्टडी लर्नर्स को बता रहा है, जो लर्नर स्मार्ट स्टडी करते हैं उसको स्ट्रेटेजिक अप्रोच या अचीवमेंट अप्रोच कहा जाता है। तो सब स्केल्स कौन से दिए इसके कि हम कैसे पहचाने इसको, तो पहला हमेशा इसमें दिखेगा कि
ये ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है, करते हैं, यानी हमेशा इनके पास एक प्लानर मौजूद होता है, बिना प्लानर के ये काम नहीं करते हैं। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट हमेशा दिखेगा आपको इनके काम में। समय प्रबंधन हमेशा दिखेगा। तीसरा, बीइंग अलर्ट टू असेसमेंट डिमांड्स। आकलन मांगों के लिए सतर्क, ये हमेशा आकलन की मांगों के लिए हमें सतर्क दिखेंगे। और चौथा इसमें आता है मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिवनेस। मॉनिटर करना, ये अपने काम को हमेशा मॉनिटर करेंगे तथा प्रभाविकता को हमेशा मॉनिटर करेंगे। जो जो इन्होंने स्ट्रेटजीज अपनाई, जो जो इन्होंने तरीके अपनाए, तो हमें क्या देखने को मिलता है, मॉनिटरिंग दिखेगी और इफेक्टिवनेस दिखेगी इनके काम में। ठीक है, और पांचवा हमेशा दिखेगा अचीविंग हायर ग्रेड्स और रैंक्स। हमेशा ये उच्च स्तर के ग्रेड और रैंक को प्रदर्शित करेंगे। पांचवा मैं इधर लिख देता हूं। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद करना चाहिए प्रियंका जी, चलिए इसको बाद में देखेंगे। तो यहां पे हमें इस स्वरूप में दिखाई देगा कि ये लोग हमेशा एकेडमिक तौर पर, अकादमिक तौर पर हमेशा सबसे सफल चीजें करते हैं, सबसे सफल दिखेंगे हमें। अब इसके ऊपर बेस कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग दिया। इन तीन अप्रोचेस के ऊपर बेस होके साजियो ने कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग बाय लर्नर्स दिए। साल जो है ना, ये जियो के मरीज, मैंने उल्टा लिख दिया साल जो। अगर हम इस पे बात करें अधिगम के संप्रत्यय, अधिगम कर्ताओं या विद्यार्थियों द्वारा, बिल्कुल ये टॉप टू बॉटम चलना चाहिए। अगर हम माने तो ये टॉप टू बॉटम चलना चाहिए। तो पहला है इसमें, पांच है ये,
लर्निंग एज क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन नॉलेज. ज्ञान में मात्रात्मक वृद्धि के रूप में अधिगम. तो पहले वो बच्चे हैं जो ये मानते हैं कि जितना ज्यादा जानते जाएंगे हम, जितना ज्यादा ज्ञान बढ़ता जाएगा वो अधिगम होता है. लर्निंग का मतलब ये कि बहुत सारी चीजें रट ली, जितनी चीजें रटते गए उतना ज्यादा हमें ज्ञान देखने को, जितना ज्यादा जानते हैं हम उतना ज्यादा ज्ञान देखने को हमें मिलेगा. ठीक है, तो ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा कहेंगे एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन और नोइंग अ लॉट. दे बिलीव इन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन और नोइंग अ लॉट. यह सूचनाओं के अर्जन में यह बहुत कुछ जानने में विश्वास करते हैं. इनको वैरायटी चाहिए. दूसरा जो इसको याद करने की बात करते हैं, यानी मेमोराइजेशन की बात करते हैं, तो दूसरे लर्नर जो इन्होंने दिए कहा कि वो करते हैं लर्निंग एज मेमोराइजिंग, अधिगम रटने के रूप में. They believe that बिल्कुल अज्ञानता का पता चलता है. ये अभी हम देखेंगे प्रियंका जी कौन से तरह के स्टूडेंट है जो इसके बात करते हैं. They believe that learning is storing information in the brain and recalling them for use. तो ये जो बच्चे हैं यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये बात करेंगे कि लर्निंग जो है सूचनाओं का मस्तिष्क में भंडारण है. यह विश्वास करते हैं कि अधिगम मस्तिष्क में सूचनाओं का भंडारण है जिसे पुनःस्मरण या प्रयोग हेतु पुनः उत्पादन करना होता है. ठीक है, फिर हमारा तीसरा बिलीफ सिस्टम आता है, तीसरे तरह के विद्यार्थी आते हैं जो नॉलेज से आगे बात करना शुरू करते हैं. तो वो बात करते हैं किसकी, लर्निंग इज एक्वायरिंग फैक्ट्स
स्किल्स एंड मेथड्स। अधिगम तथ्यों कौशलों और विधियों का अर्जन है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बात करते हैं, वी हैव टू लर्न एंड यूज देम व्हेन नेसेसरी। हमें इनको सीखना है तथा आवश्यकतानुसार उपयोग करना है। तो ये जो बच्चे हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें चीजें सीखनी है ताकि हमें जब जरूरत पड़े तो हम इनको यूज कर सकें। देखिए पहली दो चीजों ने क्या करा, पहले दो बच्चों ने हमें बताया कि जितना भी हम चीजें लेके चलेंगे वो सभी की सभी चीजें हमें किस ओर ले जाएंगी, वो सभी की सभी चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कुछ नॉलेज पूछी जाएगी, वो हमने गेन कर ली, वो हमने रट ली और हम उसको एग्जाम में दे जाएंगे। यहां तीसरा ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि जब एग्जाम में यूज होगा तो एग्जाम में यूज करेंगे, जीवन में यूज होगा तो जीवन में यूज करेंगे, वो भी संकीर्णता में देख सकते हैं। तो इसीलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि जो पहले तीन लेवल है, ये तीनों लेवल हमारे पास क्या है, ये तीनों लेवल फर्स्ट थ्री जो इसमें इन्होंने कंसेप्ट्स बताए, ये तीन कंसेप्ट्स सरफेस अंडरस्टैंडिंग के हैं, सरफेस अप्रोच के हैं। बाकी दो कंसेप्ट्स को ये कहते हैं कि ये बाकी जो दो कंसेप्ट्स हैं ये क्या हैं, ये डीप अप्रोच के हैं, क्योंकि यहां पे अब केवल ज्ञान के को इकट्ठा करने से आगे सोचना शुरू कर देता है बालक जो हमें दिखता है। तो चौथा जो दिखता है वो कहते हैं लर्निंग एज मेकिंग सेंस और एब्स्ट्रैक्टिंग मीनिंग। बोध बनाने या अर्थ की अमूर्तता के रूप में अधिगम। तो जो चौथा है वो इस स्वरूप में देखते हैं। लर्नर बिलीव्स इन रिलेटिंग पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड ऑल्सो रिलेटिंग देम टू द वर्ल्ड और देयर डेली लाइफ। अधिगमकर्ता विषय के विभिन्न भागों के संबंधन और विषय वस्तु को विश्व या
दैनिक जीवन से जोड़ने में विश्वास रखते हैं। तो यहां जो इनका विश्वास होता है वो होता है कि हम विषय वस्तु को जीवन से जोड़ पाए, विषय वस्तु को आपस में एक दूसरे से संबंधित कर पाए। और फिर लास्टली आता है इसमें, तो इसे वो एब्स्ट्रैक्टिंग मीनिंग कहते हैं कि हम अमूर्तता में जोड़ पाएंगे या फिर हम उसके लिए तदर्थ निकाल पाएंगे। नहीं जी हरिशंकर जी, बिल्कुल ऐप पे सुबह क्लास चली है। अगर किसी को ऐप को लेके प्रॉब्लम आ रही है तो क्योंकि गूगल से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, गूगल बहुत सारी चीजें अपडेट कर रहा है, तो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे तो सब कुछ ओके हो जाता है, अगर कोई ऐप में दिक्कत आती है तो। और फिर पांचवा हम देखते हैं, लर्निंग एज इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रियलिटी इन डिफरेंट वे और आवर ओन इंडिविजुअल वे। निष्कर्ष और विभिन्न तरीके से, या भिन्न लिखे केवल, भिन्न तरीके से अवबोधन या अपने वैयक्तिक तरीके से अवबोधन के रूप में अधिगम, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग को हम लेके चल रहे हैं। लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज अधिगम करता अपना ज्ञान स्वयं निर्मित करते हैं। तो ये पांच तरह से अधिगमकर्ता हमें दिखेंगे। पहला अधिगमकर्ता जो आंदो 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 जो आ रहा है आंदो, दूसरा अधिगमकर्ता याद करनी है जो चीजें, तीसरा अधिगमकर्ता हमारे पास कहता है क्या सीखूं जिससे काम कर सकूं मैं। तो जनरली जो बच्चे होते हैं या कारीगर होते हैं जो हुनर सीख रहे होते हैं तो वो तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। या फिर हम देखेंगे कि घर में खाना बनाना सीखते हैं लोग तो वो तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, वो इस चीज को सीखते हैं। उनको इससे मतलब नहीं कि इसकी साइंस क्या है, इसकी ज्योग्राफी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उन्हें तो बस पता है कि भैया घर में खाना बनना है, खाना बनना जरूरी है, हम खाना बनाना सीख लें, काम खत्म। फिर चौथे आते हैं कि नहीं, वो सेंस को लेके चलेंगे, वो सेंस बनाएंगे, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और पांचवें आएंगे, वो हर चीज को अपने अर्थ में बताते हैं। ठीक है, तो ये पांच तरीके के हमें अधिगमकर्ता देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, शिक्षा में लचीलापन तब आएगा जब हम पांचों तरह के अधिगमकर्ता को पहचान पाएंगे। अब आपके पास कुछ प्रश्न हो तो पूछ लें फटाफट, क्योंकि क्लास लंबी चल गई है। एक तो मैंने क्लास थोड़ी लेट भी शुरू करी थी तो ये 12:30 से ऊपर चली गई है क्लास। तो नेक्स्ट क्लास से हम अब थ्योरीज शुरू करेंगे, क्योंकि अप्रोचेस हमारी कंप्लीट हो गई है, तो नेक्स्ट क्लास से अब थ्योरी शुरू होगी। साक्षी द्विवेदी जी, कितनी क्लासेस बाकी हैं? अभी तो क्लासेस बाकी हैं, मैं कितनी का अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकता आपको, क्योंकि एक तो सिद्धांत बाकी है
और अभी तो फिर उसके बाद टेस्टिंग बाकी है पूरी की पूरी। क्या पूछा था क्वेश्चन आपने, मैं दोबारा पूछ लीजिएगा, एक मिनट मैं देख लेता हूं ऊपर। बिल्कुल, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं और फिर सिलेबस के बाद दोबारा कर सकते हैं, दोनों चीजें रहेंगी। तो टॉपिक करने के बाद टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर उसके बाद पूरा करने के बाद मिक्स क्वेश्चंस करें। नीता धाकड़ जी चल रही है ऐप पर भी, डेमो क्लासेस चल रही है। बिल्कुल शंकर जी, मैंने कहा मैं इसको रिपीट करूंगा, टाइम से रिपीट करूंगा, क्योंकि अभी मैं पहले ये चीजें कंप्लीट कर लूं फिर मैं रिपीटेशन के ऊपर आऊंगा। पुराने वीडियोस अवेलेबल हैं तब तक उसको देखिए, और फिर जब मैं रिपीट करवाऊंगा तो मैं इस चीजों को रिपीट करूंगा। परवर्ती बाल्यावस्था, परवर्ती बाल्यावस्था लेटर स्टेज को कहेंगे, तो लेटर स्टेज 6 से 12 साल हो जाती है। पूर्व जो होती है, पूर्व किशोरावस्था भी इसी को कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। हरिशंकर जी, वीडियो अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख के नोट कर सकते हैं, मैं यही चीज़ कह रहा था, पीछे की वीडियोस तो अवेलेबल है ना। चलिए साथियों, फिर मैं अभी विदा लेता हूँ, जितने साथी जुड़े थे सभी का धन्यवाद। आप सभी से अपेक्षा रहेगी निर्माणवाद का प्रचार और प्रसार करें। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।